असम के गोहपुर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस के पास देश को लूटने वाले क्वात्रोची और मिशेल जैसे मामाओं की फौज। दिल्ली के भाजपा सांसद रमेश बुधड़ी का कट सकता है टिकट, आलाकमान तक पहुंची शिकायत, स्थानीय नेता है नाराज। गठबंधन से अलग हुई निषाद पार्टी, योगी से मिले पार्टी प्रमुख संजय निषाद, कहा अखिलेश यादव ने जो कहा था हमारी पार्टी के लिए करेंगे सीटों का ऐलान। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ, इनको मिला बड़ी सफलता, 7 लोगों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, फर्जी तरीके से लोगों के नाम से निकलवाकर बेचते थे सिम। कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप, कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर की नारेबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव में, मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। खबरों की ओर रुख करते हैं। गठबंधन में शामिल होने के महज 3 दिन बाद निषाद पार्टी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया और 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और पार्टी के अन्य नेताओं की लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद किसी भी तरह से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए निषाद पार्टी ने अपनी राहें जुदा करते हुए कहा कि वह अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। तो वहीं मिशन शक्ति को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा कि पीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन लाइव नहीं था और उसकी फीड निजी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, इसलिए आधिकारिक रूप से मास मीडिया के दुरुपयोग के नियम यहां लागू नहीं होते हैं। इससे पहले ही मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग ने दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण का फीड का स्रोत एवं अन्य जानकारियां मांगी थी। आयोग ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद कहा कि पीएम मोदी के संबोधन से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया जाता। तो वहीं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रमेश बिधुड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा की कई महिला पार्षदों ने दिल्ली प्रभारी सीताराम से मुलाकात कर रमेश बिधुड़ी को टिकट दिए जाने पर भारी विरोध जताया है। वहीं स्थानीय नेता भी रमेश बिधुड़ी को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी का टिकट खतरे में नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, महिला पार्षदों ने चिट्ठी लिखकर पार्टी आलाकमान से रमेश बिधुड़ी को टिकट नहीं दिए जाने की अपील भी की है। तो वहीं हजारों समर्थकों के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद में अपने नामांकन करने जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि फिरोजाबाद सीट पर अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, इसलिए सीट पर शिवपाल की लड़ाई अपने भतीजे और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव से है, लिहाजा इस सीट का चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद से आगामी लोकसभा चुनाव 2019 का मैदान में उतरने वाले हैं शिवपाल यादव। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, पूर्व कद्दावर नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। ऐसे में अपने भाई रामगोपाल यादव के बेटे और अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा इस सीट पर अभी नहीं की है। तो वहीं दूसरे चरण के तहत अलीगढ़ में 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पर्चा भरने की प्रक्रिया के बाद नामांकन पत्रों की जांच भी पूरी हो गई है। इसमें 6 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों में कमी मिलने पर उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। पर्चा निरस्त होते ही अब ये 6 प्रत्याशी चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं। अब 14 प्रत्याशी और मैदान में शेष बचे हैं। नाम वापसी के ऐलान के बाद प्रत्याशियों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। आज के दौरान 6 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिनके पास पर्याप्त संख्या में प्रस्तावक नहीं थे और साथ ही साथ जो प्रारूप 26 होता है जिस पर उनको एफिडेविट देना होता है उसके कई कॉलम ब्लैंक थे। जिस दौरान नामांकन पत्र इनके द्वारा दाखिल किया गया
उन्हीं दौरान उनको हमने चेकलिस्ट के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि इनके इतने कॉलम ब्लैंक हैं, आप इसका नया एफिडेविट फाइल करें। लेकिन नॉमिनेशन शुरू होने के पहले तक उन्होंने चूँकि अपना नया प्रारूप 26 यानी एफिडेविट फाइल नहीं किया, जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गलत माना जाता है और इसके आधार पर नामांकन निर्देशन पत्र निरस्त किया जाता है। इन्हीं दोनों आधारों पर हमने 6 लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और वहीं दूसरी तरफ सपा बसपा एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, जिसके चलते लोकसभा में चुनाव लड़ने का मन बना चुके कुछ नेताओं का टिकट भी कट रहा है, तो वहीं नेता एक दल छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। सरकार के पूर्व मंत्री और MLC वीरेंद्र सिंह ने आज सपा का दामन छोड़ दिया, BJP का हाथ थाम लिया। वहीं उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी भाजपा की सदस्यता दिलाई, जहां उनके साथ प्रदेश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे मौजूद रहे। प्रदेश के शासन के पूर्व मंत्री, 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और वर्तमान में विधान परिषद के माननीय सदस्य, प्रतिष्ठित पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जर समुदाय से जुड़े थे, अखिल भारतीय स्तर पर थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर के सांसद रहे BJP के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी आज नामांकन करवाने के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा पीलीभीत पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही वरुण गांधी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए सीधे मीडिया से मुखातिब हुए। एक छोटी मुलाकात के बाद समर्थकों के हुजूम के साथ पुलिस लाइन से पैदल ही नामांकन स्थल के लिए निकल पड़े। नामांकन को जाते वक्त रास्ते में मीडिया कर्मियों से मिलने पर वरुण गांधी ने मजाकिया लहजे में बोला कि आप लोगों को हमें पूरे एक महीने झेलना पड़ेगा। पांच साल पहले देश में एक असमंजस और दिशाहीनता का माहौल था। हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमको एक दूरदृष्टा, ईमानदार और राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मिले और जिन्होंने अपने लिए कुछ ना चाह के देश के हर क्षेत्र में ऐसा काम किया कि आज भारत विश्व गुरु बनने के पटल पे बिल्कुल है। हम नौजवान देश के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को और सशक्त करें ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति अपना सिर उठा के जी सके, ताकि अगले यूपी के सिद्धार्थनगर के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर जिले में एक बार फिर चर्चा गर्मा गई है। शिक्षा विभाग में हुई फर्जी भर्ती को लेकर एडिशनल बेसिक अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने जिला बेसिक कार्यालय का निरीक्षण किया और सभी भर्तियों की जांच शुरू करवा दी। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के बाद की रिपोर्ट्स को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव इलाहाबाद के सामने पेश किया जाएगा और उचित कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि यहां कुछ वक्त पहले 56 फर्जी शिक्षकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम सिंह ने पकड़ा था, जिनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें तो वहीं आदर्श आचार संहिता का लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार खुलेआम मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। संभल में समाजवादी BSP रालोद के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर गिफ्ट दिए गए और सम्मान में चादरें भेंट की गईं। उसके बाद नाश्ते में मिठाई, समोसे, केलों पर कार्यकर्ताओं ने जमकर लूट मचाई। तस्वीरें संभल के रॉयल होटल के अंदर की हैं, जहां पर BSP के पूर्व मंत्री अकील उल रहमान ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर सफीकुर रहमान वर्ग के लिए चुनावी सभा रखी थी और BSP समाजवादी कार्यकर्ताओं से वोट की अपील की थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा के थाना एतमादपुर के पास भाजपा नेता और इंस्पेक्टर के बीच गहमागहमी की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक दिव्या चौहान
चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम से लौट रही थी। फिलहाल पुलिस ने भाजपा नेता दिव्या चौहान को हिरासत में ले लिया है, साथ ही उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली है। हम लोग मंत्री जी के काफिले से जा रहे थे तो मंत्री जी थोड़ा आगे निकल गए थे, हमारी गाड़ी पीछे आ गई। ये सपा मानसिकता का इंस्पेक्टर हम लोगों की गाड़ी रोक लिया। हम लोगों ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो मेरी जो गाड़ी चला रहे थे उनका हाथ उठा दिया अनसिकता का है ये। भाई साहब आप मुझे बताइए, मेरी गाड़ी के जो ड्राइवर है उस पर कोई हाथ उठाएगा? आप मुझे प्यार से भी तो बोल सकते थे, गाली वाले मेरी उंगली को नीचे किया उस इंस्पेक्टर ने, मैं उस पर ये मेरी उंगली क्यों छुई, मैंने गाली नहीं दी। वो नगाम और पश्चिम कार्बियांगलम जिला के सीमावर्ती और रोहा समिष्ट के वर आमरी में चल रहे तिवाओं के उक्त समरा मिसवा उत्सव के अंतिम दिन क्षेत्र की जनता ने यंत्र लेकर नृत्य गीत कर उत्सव का सफल तरीके से समापन किया। बता दें कि केवल पुरुषों ने नहीं बल्कि वहां मौजूद महिलाओं ने भी जमकर नाचा और उत्सव का समापन किया। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय ग्रोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी तरीके से लोगों के नाम से सिम निकालकर बेचते थे। बता दें पुलिस ने इनके कब्जे से 200 से ज्यादा सिम और 11 मोबाइल सिम बरामद की हैं। इन सिम का प्रयोग फर्जी कॉल में किया जाता रहा। दरअसल क्राइम के एक मामले में पुलिस सिम कार्ड के आधार पर एक शख्स के पास कन्नौज पहुंची तो पता लगा कि उसने कभी सिम ली ही नहीं। इस जानकारी के जांच के बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी है। इलाके के एक आरोपी मनीष तक पहुंचे और मनीष ने हमें प्रिंस नाम के आरोपी तक पहुंचाया और प्रिंस से इंटरोगेशन के दौरान हमें ये पता लगा कि प्रिंस इन सब लोगों से इस तरह की इलीगल सिम कार्ड लेता है जो कि जेन्युइन आइडेंटिटीज पे इशू करवाए गए हैं और इन सिम कार्ड्स को इशू करते। फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील में चुनावी चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें जनता और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। आपको बता दें कि सिरसागंज समाजवादी पार्टी का क्षेत्र माना जाता रहा और अब चाचा भतीजे के आमने सामने आने से समर्थक दो गुटों में बंटते दिखाई दे रहे हैं। आगरा के थाना हरिपर्वत के फ्रीगंज इलाके में जूते की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि फैक्ट्री चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि लाखों रुपए का फैक्ट्री में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। ये जूते की फैक्ट्री है। कितनी भयंकर आग लगभग कितनी देर से लग रही है? ये 1 से 1.5 घंटा हो गया। कितनी भयंकर आग लगी हुई है? आग तो काफ़ी तेज, अभी काबू नहीं हो पाई आग तो। तुम दे जो आग लग रही थी तो? हाँ जब हम इधर ही थे। क्या कोई अपना सबकी मजबूरी थी? बगदल तो नहीं, फैक्ट्री बंद थी। ये थाना हरिपर्वत के फ्रीगंज एरिया में बरोला स्टूप फैक्ट्री है। यहाँ पे रात को सूचना मिली थी कि आग लगी है, तो पुलिस मौके पे पहुँची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौके पे है, 3-4 गाड़ियाँ हैं। कब से पानी डाला जा रहा है, तो जब आए थे तब काफ़ी तेज़ आग थी। अभी आग काबू में पाई गई है, पता चला कि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, उससे आग लगी है। लेकिन आग आसपास कहीं फैलने नहीं दी गई है, काबू में आ गई है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी भी फायर ब्रिगेड चल रही है, पुलिस भी मौके पर है शांति व्यवस्था के लिए। दिक्कत की लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर दल अपनी तैयारियों को अंजाम देने में जुटा है। यूपी में कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकल पड़ी है। राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी की राह पर कांग्रेस के उतरने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। हाल के दिनों में हिंदुत्व फैक्टर का लाभ भी उसे मिला है। इसी मसले पर हमारे संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज से खास बातचीत की। यूपी की सियासत में अपना अलग स्थान रखने वाले एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चकबाणी महाराज जी जो हमेशा अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नेशनल लाइव पे वो क्या शेयर करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से हमें समय मिला है, स्पेशल रिक्वेस्ट की है उनसे। सर सबसे पहले सियासत में अगर आपकी बात कर ले, लगातार हिंदुत्व के नाम पर देश में राजनीति हो रही है, प्रदेश में राजनीति हो गई है, और साफ तौर पे अगर केंद्र और राज्य सरकारों की बात करें तो इन 5 वर्षों में लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, हिंदुत्व की बात करने वाले कितना कारगर होंगे, कितना उनको सफलता मिलेगी, राम मंदिर की बात करने वाले, गाय गंगा गोमती की बात करने वाले लोगों ने अभी तक क्या किया है और क्या कहना है आपका? देखिए, लोगों ने राम मंदिर या हिंदुत्व या गौ रक्षा पे बात ही किया है, और जहाँ तक सरकार की बात है वो सरकार भी सिर्फ बात ही कर करके और उन्होंने सबसे उठ लिया, लेकिन किया कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ राजनीति किया है और हिंदुत्व पे राजनीति किया है। और देश के लिए निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुसंख्यकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया उसमें वो नहीं। अब आप ये देखिए कि संघ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे। आज केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और देश के कितने मुस्लिम संगठनों ने कहा, मुस्लिम समाज ने कहा कि भाई केंद्रीय गोरक्षा केंद्रीय कानून बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कौन नहीं बनाया? सरकार ने नहीं बनाया। तो जो वोट लिया गोरक्षा केंद्रीय कानून के नाम पे वो नहीं बनाया। अब राम मंदिर चिल्लाते थे, सरकार थी, किसने रोका था? देश के मुस्लिमों ने थोड़े रोका था, आपने कानून नहीं बनाया। अब पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और अयोध्या जी गए नहीं, जिसके बल पे, राम जी के बल पे सरकार बनी, उसके दर्शन करने तक नहीं गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति किया गया और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति और राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम किया गया, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पिछले 5 साल में जब से मोदी सरकार है, जिस प्रकार के देश में एक तनाव की स्थिति रही है उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत ही तनाव की स्थिति रही, और धार्मिक एकता अखंडता भी उससे काफ़ी कहीं ना कहीं हाशिए पे आ गया था। और अब निश्चित रूप से अब देखो चुनाव 2019 का है, इसमें परिणाम बड़े चौंकाने वाले आएंगे, और देश की जनता, प्रदेश की जनता सब समझ रही है। एक और चीज़ निकल के सामने आ रही है महाराज, जिस तरह से बातें निकल के आती है, आपने स्वयं बताया है कि हिंदू की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अगर ये वायदे पूरे कर दिए जाते तो शायद इनके पास कोई एजेंडा ना बचता जिसको लेकर के 2019 के चुनाव में ये फतेह हासिल कर सकते? जिस तरह लगातार विपक्ष है वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, कितना सही है ये बात? और क्या लगता है आपको, जब अमेंडमेंट ऑफ लॉ इनके हाथ में था तो कानून क्यों नहीं पारित हुआ? एक प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न साफ तौर पर निकल के आता है, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताने का क्या सिलसिला होगा? क्या 2019 के बाद में योगी जी कहते हैं कि अब मंदिर बन के रहेगा, कांग्रेस के राजनाथ सिंह जी कहते हैं, लखनऊ से उम्मीदवार भी हैं, देश के गृहमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर बनेगा, कैसे बनेगा राम मंदिर? देखिए ऐसा है, इन्होंने डेट बताया था, और डेट तब बताया था पहले जब सरकार इनकी नहीं थी, तब उस समय उन्होंने कहा था कि जो जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो एक बार भी प्रधानमंत्री जी अयोध्या रामलला के दर्शन करने तक नहीं गए। तो ये स्पष्ट है कि ये बिल्कुल ये नकारे लोग हैं, बिल्कुल झूठे लोग हैं, बहुत ही बेईमान लोग हैं, और इनके लिए भगवान श्री राम सिर्फ एक मुद्दा है जो सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, गौ माता एक को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम करते हैं। तो उसका उसको जो था ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, अब पूरी तरह पोल खुल चुका है। अब देश के प्रधानमंत्री उलझुल बयान दे रहे हैं, अब तक के प्रधानमंत्रियों में देखा जाए तो सबसे ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को भी भयंकर ठेस पहुंचाया, और ठेस ही नहीं पहुंचाया बल्कि तार तार कर दिया उसको। आज देखो जितने उलझुल बहकी बहकी बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा शोभा नहीं देती। पहले के भी प्रधानमंत्री हुए, कोई चुनाव में जाता था बड़े न्यूट्रल होकर के वो बोलता था, नहीं लगता था, कभी अपनी प्रतीक चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाता था और राजनीति के लिए इस तरह से संवादहीनता नहीं करता था। लेकिन आप इनका देखो जितनी संवादहीनता है, वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है, हर भारतीय के लिए शर्मनाक है, चाहे किसी भी जाति किसी भी मजहब का हो, क्योंकि देश हमारा और संविधान बड़ा सर्वोच्च है, और संविधान की जो मर्यादाएँ हैं उसको पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो इसलिए जब कुर्सी पर बैठ जाए व्यक्ति, उसकी बाहर पीछे का करेक्टर क्या रहा है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठने के बाद व्यक्ति को उस मर्यादा का, संवैधानिक मर्यादा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है, वो जाति धर्म मजहब सब कुछ से ऊपर उठ जाता है। लेकिन यहाँ आप देखो प्रधानमंत्री मोदी जी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने
वो पार्टी उनके लिए उनके पद बहुत ज़्यादा महत्व हो तो गया और बीजेपी राष्ट्र से भी बड़ी हो गई। हम तो यही सोच रहे हैं कि देखो हमने बनाया था कि देश में हमारे प्रधानमंत्री एक बनेंगे, पूरे देश के लोगों ने चुना, और कभी वो चाय वाला बन जाते हैं, कभी वो अभी तो बन गए क्या बोलते हैं वो चौकीदार बन गए, अब सबको चौकीदार भी बना रहे हैं। अरे हमें प्रधानमंत्री चाहिए भाई। और अब तो मैं वो करता हूँ, हम एक हमारी मन की वेदना है, काश मोदी जी प्रधानमंत्री होते, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आज 5 सालों से देश के प्रधानमंत्री का कुर्सी खाली है। देश की जनता आपको देख रही है, साफ तौर पे लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से सियासी दावे और सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, वर्तमान स्थितियाँ जो है कांग्रेस की अगर बात करें, कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई, जिसका फायदा हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने वोट लेने का काम किया था पिछली बार भी, इस बार भी वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका वाड्रा की बात करें, 2 दिन से अयोध्या में, या दूसरा दिन है, रामलला को हिंदुत्व के नाम को कांग्रेस कहीं ना कहीं अब कैश कराने में भुनाने में जुट गई, ये कारण माना जाए कि क्या बीजेपी और आरएसएस अपने रास्ते से जो भटकी है उसका ये यानी फलसफा है कि कांग्रेस ने हिंदुत्व को अपना लिया? नहीं, देखिए ऐसा है, हिंदू तो अयोध्या धार्मिक नगरी है, वहाँ पे हर व्यक्ति को जाना चाहिए, कोई बात नहीं, जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। और लेकिन एक बात है कि कांग्रेस ने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा नहीं है, वोट मांगने का काम बीजेपी ने किया था, और बीजेपी ने किया लेकिन बीजेपी ने पूरा नहीं किया उसको, और उसके बावजूद हर चीज़ को अब देखो अभी आ रहा है, लोग बीजेपी के लोग कह रहे देखो जी प्रियंका जी अब अयोध्या चली गई, इन्होंने हिंदुओं को आतंकी, अब यार वो तो चली भी गई, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी तो वोट लेकर के अभी तक नहीं गए भाई। तो कहने का मेरा मतलब दूसरे में कमी ही सिर्फ खोजना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वो सबका स्थान। लेकिन अगर इन्होंने काम नहीं किया तो क्या इसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं लगातार, अयोध्या की बात कर ले, इससे पहले अगर चुनाव की बात करें तो 19 मंदिरों में लगभग यानी राहुल गांधी गए थे, उनको फायदा भी इसका मिला था, जिस तरह से जीत हुई छत्तीसगढ़ की बात कर ले, अन्य राज्यों की बात कर ले, एकदम से उन्हें जीत मिली, उसी राह पर प्रियंका वाड्रा है। तो आपको नहीं लगता है कि देश की राजनीति में हिंदुत्व का जो स्थान है उसको ही अनुपालन कर रहे हैं, उसका ही रास्ता पकड़ लिया है कांग्रेस ने? देखिए आपको बताना चाहते हैं, ताकत मोदी जी और योगी जी में नहीं है, ताकत हिंदुत्व में है और बहुत ताकत है। अब इसको जो भी अब उनके खिलाफ उठ जाएगा और निश्चित रूप से फायदा होगा जो लड़ाई में रहेगा, तो मंदिर जाने का उनको बिल्कुल फायदा मिला, भगवान की आशीर्वाद उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। 3 प्रदेशों में भी जो हुआ यही हुआ, आप ये देखो कब तक हवा हवाई, आज ये बेरोजगारी इतनी भयंकर है, आप किसानों की समस्या, किसान आत्महत्या करे जा रहे हैं, आप अब तुम जब किसान आत्महत्या कर रहे तुम कोई दूसरी मुद्दा उठा लेते हो, किसानों की समस्या सुनते नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप कब तक से और गप्पेबाजी करके कब तक आप दूसरों को भ्रमित करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो विपक्ष की पार्टियां होती है उनको लाभ होता है, अब वो काम करें ना करें, एक जीतता है तो दूसरा हारता है, तो स्वाभाविक है उसे लाभ मिलेगा। आखिरी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो देश की जनता देख रही है, वो जानना चाहती है कि आखिर चक्रपाणि जी महाराज के मन में क्या है। एक बात अगर की जाए, हमेशा डिबेट्स में आप रहते हैं, बड़े बड़े चैनल्स में बैठते हैं, सब चीज़ें आती हैं, एक प्रश्न पूछा जाता हमेशा, देश में मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री का विकल्प नहीं है, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश में कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है या नहीं? देखिए ये स्वयं संघ विश्व हिंदू परिषद बीजेपी और खुद मोदी द्वारा ये अफवाह फैला जाता है, ये पूरी सरकार अफवाह पे है। आप ये बताओ जब नरसिंहा राव बने तो क्या कोई महसूस कर सकता था नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बने? क्या जब चंद्रशेखर बने उसके पहले कोई कल्पना कर सकता था कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कोई जब प्रधानमंत्री और भी बने तो अनेक लोग बने, गुजराल बने और कितने लोग बने, देवगौड़ा जी बने, देश है 125 लोगों की करोड़ की संख्या है और इसमें एक से एक फैंटेज, क्या मोदी के अलावा देश में कोई नहीं रहता क्या? मोदी से पहले देश नहीं चलता था क्या? बल्कि देश की बेड़ा गर्क करके रख दिया है, नोटबंदी से लेकर 150 लोग मरे, एक बार प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि तक उनकी नहीं किया, कैसी बातें करते हैं वो। GST पे देखो आज पूरी उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, आप चले जाओ जिधर बिल्डिंगें बनती थी ग्रेटर नोएडा साइड, उधर उधर आप चले जाइए हरियाणा में और जहाँ जहाँ सब ऐसे सब मशीन रुकी पड़ी है, 5 सालों से विकास पूरी तरह ठप हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गए व्यवसायी।
कौन किससे वोट लोगे भाई, कौन वोट दोगे? और टीवी कुछ चैनलों को खरीद लिया है, कुछ तो उसमें राष्ट्रभक्त है आपकी तरह जो दिखा देते हैं हम जैसे लोगों की बात, लेकिन अब तो हम बैठना भी बंद कर दिए इसीलिए, क्योंकि वो उस तरह की दिखाते हैं, वो सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता वो चैनल करने लगे हैं। तो जो लोकतंत्र को पूरी तरह भवना बना दिया, ऐसे नहीं चलेगा इस देश में। बहुत लोग हैं, एक जाएगा दूसरा आएगा। 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपको क्या लगता है, कौन लोग हैं जो चेहरे में? यही मैं कह रहा हूं कि अब 2014 में भी पूरे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री किसी को सोचा था, बनाएंगे मोदी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने कथनी अपने करनी की वजह से प्रधानमंत्री रहे ही नहीं। हमें तो लगा ही नहीं कि कोई हमारा देश का प्रधानमंत्री है। आप जरा सोचो, 150 लोग नोटबंदी में मर गए और देश का प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देता है, प्रधानमंत्री है? बिल्कुल नहीं है। तो आप हर चीज़ में सिर्फ ओछी ओछी बातें और वो बयानबाजी विपक्षियों पे कर रहा है, जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री आज तक किसी ने नहीं किया है, इसलिए प्रधानमंत्री अभी तक है ही नहीं है। अब 2019 में प्रधानमंत्री जो है चुना जाएगा। अब प्रधानमंत्री जिसको चुना, वो चाय वाला पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके, क्या तो मैं चाय वाला था, चाय कितनी बदनामी आप कर रहे हो भाई। जब हर व्यक्ति का एक पास्ट होता है, आप उसको लेकर के चलाओगे कि हम ये थे, आप कब तक राजनीति करोगे? आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम कर दिया, अब चौकीदार चौकीदार कर रहे हो। ठीक है, चौकीदार अब तुम्हें देश की जनता बना के छोड़ेगी, तो अब तो चौकीदार बनाई देगी, अब प्रधानमंत्री पे किसी को नियुक्त करेगी और कोई ना कोई इस आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा 19 में, मोदी जी नहीं बनेंगे, बस स्पष्ट है। चकपाणी जी महाराज का कहना साफ है कि देश में प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन वो चौकीदार नहीं होगा, वो और कोई होगा। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, लेशन लाइव, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ।